अब एक और नई मुसीबत में फंसने वाली है वैजयंती, यानी कि हमारी बौंदता, और सिर्फ एक ही दिन बचा है वैजयंती के पास अनिरुद्ध के दिल में बौंदता के लिए प्यार जगाने का। हे गाइस, मैं हूं विशाखा और आप देख रहे हैं बॉली पीप्स। वेल, आपके फेवरेट शो बैरिस्टर बाबू के अपकमिंग एपिसोड में अब एक और नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि वैजयंती अब एक और नई मुसीबत में फंसने वाली है। जी हाँ, शो में आप देखेंगे कि पूरे 8 साल बाद पहली बार जो अनिरुद्ध है वो पियानो बजाता हुआ नजर आएगा, और ये देखकर आंखों में आंसू आ जाएंगे वैजयंती के, यानी हमारी बौंदता के, क्योंकि वो बहुत खुश होगी कि इतने सालों बाद उसके सखा बाबू ने फिर से पियानो बजाया। लेकिन अनिरुद्ध भी रोने लगेगा, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि वो बौंदता को याद करने लगेगा और उसे फिर से गुस्सा आएगा और वो खुद अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा। लेकिन वैजयंती उसके पीछे जाएगी और दरवाजे के बाहर फिर से उसे परेशान करने की कोशिश करेगी, उसके पीछे पड़ जाएगी, और इस बात पर अनिरुद्ध को फिर से आ जाएगा गुस्सा, और वो यहाँ पर बौंदता यानी कि वैजयंती से कह देगा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, कल तुम्हारा यहाँ पर सिर्फ आखिरी दिन होगा, उसके बाद तुम यहाँ पर कभी भी नहीं आओगी, कल तुम यहाँ पर सिर्फ आ सकती हो और तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकती हो। इसके बाद में अब बढ़ गई है वैजयंती की टेंशन, क्योंकि उसने तो कसम खा ली थी कि वो अनिरुद्ध के दिल में बौंदता के लिए प्यार जगा कर ही रहेगी, लेकिन अब सिर्फ है एक दिन में वो कैसे कर पाएगी ये सब कुछ, ये बहुत बड़ा टास्क सामने आकर खड़ा हो चुका है वैजयंती के। और वहीं जिस आदमी को, कृष्णनगर के आदमी को जो चंद्रचूर का जासूस है, उसे भी अनिरुद्ध पकड़ लेगा और यहाँ पर उससे पूछने की कोशिश करेगा कि आखिर वो कृष्णनगर क्यों गया था, चंद्रचूर के पास में क्या खबर पहुंचाने गया था। तो क्या अब वो बता देगा अनिरुद्ध को कि वो बौंदता के बारे में बताने के लिए गया था, कि वैजयंती ही बौंदता है? क्या अब इस नई मुसीबत में फंसने वाली है हमारी बौंदता? कैसे निकलेगी वो इस मुसीबत से, क्या करेगी अपने आप को बचाने के लिए और अपने मकसद को पूरा करने के लिए? वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या लगता है, क्या बौंदता बच जाएगी या फिर इस बार तो पकड़ में आ जाएगी वो अनिरुद्ध के, और अनिरुद्ध जान जाएगा वैजयंती का राज? क्या लगता है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और टीवी शोज और बॉलीवुड के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलेगा हमारे चैनल बॉली पीप्स को।